फैसला अभी सबको बरी करने का आया है, पूरा फैसला पढ़ने के बाद हम बता पाएंगे किन बेसिस पे फैसला दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे बेसिस थे। 3 साल की देरी से ज़्यादा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। रिकवरी जितनी बरामदगी दिखाई गई थी वो फर्जी साबित हुई, ये सारे इसमें बेस होंगे मैं समझता हूँ, लेकिन फैसला पूरा पढ़ने के बाद पता चलता है। आरोपी सीओ आले हसन खां, बरकत अली ठेकेदार, अजहर अहमद खां पूर्व चेयरमैन, ओमेंदर सिंह चौहान, जिब्रान नसीर, रानू खां और फिरोज खां सपा नेता, इन लोगों को नामजद किया गया था। दौराने विवेचना मोहम्मद आजम खां साहब का नाम 120B में मुद्दिन में आया था। डकैती की धाराएं 395, 412 वगैरह इसमें लगाई गई थी, 452, 323, 447 IPC लगाई गई। सभी आरोपों से आज माननीय न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।